वह इसके अंदर टाइट किया जा रहा है, और इसके बाद हमने जो इसके ऊपर निशान लगाया है ये लेना है कॉर्नर से, और हाइट जो है इसकी 19 mm लेनी है। तो यहाँ से आप लगाएंगे
निशान 10 mm इधर छोड़ेंगे और बीच में 18 आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 38 है ना ये साइज। तो और निशान कॉर्नर से 10 mm छोड़ दें, एक तरफ 38 वाला साइज है ना ये, तो आप कैसे मार्किंग कर रहे हैं? इसकी गहराई जो है वो 19 mm है, वन साइज जो है 10 mm है और गहराई 19 mm, इसको आप 19 mm ले प्राइस कैसे करो इधर इसके बाद 18 mm सेंटर जो है 18 mm आपने इसका लेकर के मार्किंग करेंगे 18 mm पहले 10 mm कॉर्नर से और 18 mm इधर से लगा दिया काफी काफी नारा कर दे ठीक है। ये हो गया एक पीस की मार्किंग सर्वर का, पहले इसको काट लेंगे दोनों मार्किंग करोगे पहले मार्क, चलो दूसरा पीस कर ले बाकी दूसरे पीस की मार्किंग। हाँ तो अब हम पीसों की कटिंग करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड एक्सर, तो अभी इसको रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करेंगे, ये आपका भी थोड़ा सेफ रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले ऐसे कर लें और ये यहाँ पे काट लें, इसके बाद इसके नट बोल्ट भी कसेंगे यूज होते हैं बाहर बाहर अपनी साइड पे मार्ग।
अभी जो है हम दोनों की फाइलिंग से फिनिशिंग करने जा रहे हैं। मार दे खड़ी करके मार, बांध ले, बांध लो, बांध ना ऐसे मार, बांध दो और तो है और पर इसको कट कर दे यार। इसकी दोनों सरफेस को जो है आप फिनिश कर रहे हैं। हम अभी रफ मटेरियल था और ऐसे कर लो ना, ये अंगूठे से नहीं साफ, ऐसे बार बार मारने की जरूरत है। पूरी फाइल को आगे से पीछे तक ले जाओ, रफ में रफ वाली यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देख ले वहाँ होगा वो कूलर के पास, खिड़की पे देख, कूलर के पास देख। हो जाती है तो भी उसके बाद एमएस को रेस्ट नहीं लगी। वैसे मार्केट के अंदर कई जो है मोटरसाइकिल के पार्ट्स तैयार हो गया। अब दूसरे को हम तैयार करें, अभी आप देखें कितना सुंदर तैयार हो गया। अब इसको तैयार करें, अभी मार रहा है। तो अभी ये दूसरा पीस हमने, वो मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो एमएस फिटिंग जॉब आज जो है आपको प्रैक्टिकल करने का अवसर मिल रहा है। जो आप कोई भी बड़ी से बड़ी जॉब कभी इसी प्रोसेस से, कैसे कटिंग करनी है, कैसे फाइलिंग करनी है, कैसे मार्किंग करनी है, कैसे हैंड एक्सा का प्रयोग करना है, हैं? ये सभी आपने देख लिया और सभी काम बिल्कुल अटेंशन से करना है। पूरा ध्यान हमारा प्रैक्टिकल की तरफ होना चाहिए। जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी देख रेख के अंदर अगर आप काम करेंगे तो वो जॉब भी अच्छी बनेगी और कोई नुकसान नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। और खुशी होती है जब जॉब, एक अच्छी जॉब आप तैयार करते हैं अपने हाथों से,
तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने जो है राहुल मैंने आज जो बनाई, और आप भी फाइलिंग करें सभी अपने अपने हाथ में वहीं पे अपने अपने क्लासरूम में कि कैसे फाइलिंग हो रही है इस समय। पहले पीस में और अब में देखो कितना फर्क आ गया, और इसको हमने बिल्कुल जो है वाइट करना है, बिल्कुल फिनिशिंग लानी है। तो इसके बाद हमारे पास एक एमरी पेपर होता है, सैंड पेपर भी बोलते हैं इसको, तो इसका प्रयोग जॉब को फिनिश करने के लिए ही होता है, और इस कार्य के लिए वर्कशॉप में एक हमने मशीन आपको बताई है, कोई बताएगा उसका क्या नाम है, उसका काम भी फिनिशिंग करना होता है। गुरुसेवक हाँ, वो कहाँ है प्रैक्टिकल की कॉपी आपके पास है ना इस समय? यस। उसमें जो अपनी वर्कशॉप के अंदर जितनी मशीन हैं वो जरा वो चैप्टर खोल के देखना, उसमें कौन सी मशीन के अंदर हमने बताया था कि हम इससे फिनिशिंग कर सकते हैं, बताओ जरा। हाँ क्या है? देखो देखो, और भी सभी अपनी अपनी कॉपी देखो, जो क्वेश्चन का उत्तर जल्दी देगा उसकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी। वर्कशॉप में एक ऐसी मशीन है जिसको फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, हमने बताया था आपको, कौन सी मशीन है उसका नाम बताओ। शेपर नहीं है? अच्छा आप ऐसा करो, सभी मशीनों का नाम लो फिर मैं बताता हूँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया ये? अनुराग ने? सचिन ने? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ये है सिंगल हैंड मेजरिंग के, देखो मैं आपको पास ही दे रहा हूँ, ये देख रहे हो बेल्ट है ये वाली, देखिए इसके ऊपर ये बेल्ट है देख रहे हो, हाँ तो ये है वो, परंतु ये जो हो रही जिसको आप अच्छे से हाथ में पकड़ सकते हैं, ये बहुत छोटा पीस है, जो बड़ी जॉब होती है उनके लिए वो बेस्ट है, राइट। तो अभी हम इसको ही देख रहे हैं, जॉब को फाइनल की ओर पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो कॉर्नर है वो भी हम इसको फिनिशिंग कर रहे हैं, और इसके लिए एक्स्ट्रा एक स्केयर फाइल भी होती है, अभी हम फ्लैट फाइल आपको यूज करके दिखा रहे थे, तो यहाँ पर इसके कॉर्नर को ग्राइंड करने के लिए स्केयर फाइल को भी यूज करते हैं। अभी आप वहाँ जो रखो वही इसके साथ अलग अलग ऐसे, अभी तो ये देखो अभी हम इसको लगाओ धीरे धीरे, देखो जरा बच्चों कितनी अच्छी जॉब बनी है। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही आपको आज का प्रैक्टिकल जो है, अब इसका प्रोसीजर जो है वो आपको अपने आप लिखना है कि कैसे कैसे हमने इस जॉब को बनाने में कौन कौन से स्टेप यूज किए, लिख लोगे ना? क्या क्या लिखोगे जरा बताओ मुझे। नंबर एक क्या करोगे? सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल लिया, हेलो रॉ मटेरियल लिया, उसका साइज कितना है बताओ जरा। हाँ 38x90 का पीस था हमारा, और उसको हमने कटिंग करके टू पीसेस में डिवाइड कर लिया, राइट। फिर उसके बाद अगला क्या स्टेप रहा है? हाँ कोई आपको इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे आपको आज के इसमें कोई डाउट? हाँ बस आप प्रोसीजर भी लिखेंगे, और ये ड्राइंग जो है ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ, इस ड्राइंग को प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखेंगे, और प्रिकॉशन लिखेंगे इसके साथ साथ, टूल जो यूज हुए हैं उसके बारे में लिखेंगे, कौन कौन से टूल इसमें प्रयोग किए।